आज मैं आपके साथ दावत या फिर गोट में बनाए जाने वाले सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे यहाँ पे अगर कोई छोटी मोटी दावत होती है या फिर कोई गोट होती है तो इसी तरीके से इस सालन को बनाया जाता है। ये सभी को बहुत पसंद आता है और इसको बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। आप इसको फर्स्ट टाइम में भी परफेक्ट बना सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके लिए ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये 200 ग्राम प्याज ली है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 1 मुट्ठी लहसुन लिया है। प्याजों को इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे और अदरक को कद्दूकस से घिस लेंगे। ये कुछ गरम मसाले लिए हैं जो कि इस तरीके से हैं, 3 तेज पत्ते हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, आधा फूल है, करीब 8 लौंग हैं, 10 से 12 काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची ली है और 4 छोटी इलायची ली है, इनको कूट लिया है। अब ये 200 ग्राम ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, इसमें गरम मसाले को भी डाल देंगे। प्याजों को इस तरीके से लाल होने तक बघार को पकाएंगे। अब इसमें गोश्त को डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पे गोश्त की भुनाई करेंगे। ये गोश्त जितना भी पानी छोड़ेगा इसके पानी को अच्छे से सुखा लेंगे। गोश्त की भी देखिए भुनाई हो गई है। अब इसमें लहसुन अदरक प्याज को डाल देंगे। अब हमें इसमें जितने भी मसाले डालने हैं अभी डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी है, इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, इसमें 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। अब इसमें करीब 200 ग्राम दही डालेंगे। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें मिर्ची की और नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको ढक देंगे। अभी 2 मिनट तो इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 40 से 45 मिनट पकाएंगे और गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। आप अपने हिसाब से गोश्त के अच्छे से गलने तक इसको पका लें। इस पे थोड़ा बजन रख देंगे जिससे क्या है इसकी स्टीम निकलेगी नहीं। इसको पकते हुए करीब 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब गोश्त को चेक करेंगे, कोई भी एक रेशे वाली बोटी लेंगे, इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे क्या है ठंडी हो जाएगी। गोश्त भी देखिए गल गया है। अब इसमें 1 ढक्कन केवड़ो वाटर डालेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है सालन में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। अब इसके अच्छे से भुनाई करेंगे, इसमें से ऑयल के अच्छे से रिलीज होने तक इसकी भुनाई करेंगे। इसकी देखिए भुनाई भी हो गई है। इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, मैं इसमें करीब 1/2 गिलास जितना पानी डालूंगी। इनको मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे,
धनिये को इसमें मिक्स करेंगे। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखा आपने हमारा कितना बढ़िया सालन बना है, और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बना है। आप इसको किसी भी ओकेजन पे बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। बाय अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।